इतनी तेज हो गई, पूरा बादल पूरा काला काला बादल हो रहा है। सो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज भी कुछ खास होने वाला था बट अभी ये बारिश का कुछ नहीं पता है, बारिश जाएगी तभी हम लोग भी बाहर जा पाएंगे, वरना आज का प्लान हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। बाकी बने रहो और बारिश का एंजॉय करते रहो। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। चाय पकौड़े सब लोग रेडी कर लो, ठीक है। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस लिपस्टिक रह गई है। सो गाइज मेरे पास आज जो मैं पहनूंगी वो है आउटफिट ही कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये फ्रॉक स्टाइल में है या मैं आज मैं वेयर करने वाली हूँ, और आज मैं अपने बालों को स्ट्रेट भी कर चुकी हूँ। सो यस, आज मैं आपको बताती हूँ आज हमें कहाँ जाना है। आज मेरा शूट है एक और, जो कि मतलब बहुत बड़ा शूट है, आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ, ओढ़नी के साथ, ठीक है। ओढ़नी के पेज आपने अगर नहीं देखा है तो आप देखना ज़रूर, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगी, क्योंकि आप लोग ने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो यस गाइस मैं आज ओढ़नी जाने वाली हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है मतलब मेरी प्रोग्रेस में। तो चलो फिर चलते हैं फटाफट से, और लेट्स सी देखते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, कैसे शूट होगा। एंड आज मेरे साथ जो है दो जने जा रहे हैं, जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट है एंड एक मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि आप जिससे पहले भी मिल चुके हो, बट मैं आपको उनसे ब्लॉग में मिलवाऊंगी, ठीक है, बाद में। अभी स्टे ट्यून, बने रहो पूरे ब्लॉग में और देखते रहना कि मेरे साथ कौन जाने वाला है। एंड फिर लेट्स गो, चलते हैं बस। पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश एक बार रुक जाए थम जाए फिर हम लोग आउटफिट पहन के निकलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, देन मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइज ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, थोड़ी सी चावल दो चम्मच और एक चपाती और थोड़े से पकौड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है पकौड़े तो बनता है, एंड प्लस चाय। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, एंड मैंने आज वियर किया, मैंने अपना पूरा प्रॉपर गाउन पहन चुकी हूँ, पूरा ड्रेस पहन चुकी हूँ, बट आपको अभी मैं पूरा मिरर में दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैंने बाल बांधे हुए क्योंकि अभी उनको नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको पूरा ड्रेसअप दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या वियर किया। एंड यस गाइज हमारे यहाँ पर तो बारिश रुक गई है, बट जो मेरे साथ आने वाले हैं मतलब जाने वाले हैं उनके तरफ वहाँ पे बारिश हो रही है, तो अभी उनके लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। यस लेट तो हो चुका है बट कोई बात नहीं, बारिश की वजह से क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो फिर फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज आज का आउटफिट कुछ इस तरीके से है, और मैंने नीचे स्लीपर पहन ली मैंने ये वाली, एंड दिस इज माई वॉच। चलो फिर लेट्स गो, हम लोग लेट हो रहे हैं, फटाफट चलते हैं। ओके गाइज फाइनली हमारे पास पहुँच चुके हैं मेकअप आर्टिस्ट नीतू दीक्षित एंड हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो शिल्पी मैम है। चलो चलते हैं। फाइनली वी रीच टू द ओढ़नी स्टोर, और आप लोग देख सकते हो तो कितना प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा है, लाइक आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ पर है मेरे साथ दोनों, लाइक नीतू दीक्षित एंड शिल्पी, सो वन इज़ मेकअप आर्टिस्ट एंड वन इज हेयर स्टाइलिस्ट। तो अभी बस शूट स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ी देर हम लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा चिलअप कर रहे हैं, एंड देन सर का वेट कर रहे हैं, सर आ जाएँ उसके बाद शूट चालू होगा, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज आज के आउटफिट सेलेक्ट हो चुके हैं वन बाय वन इस टाइप से कुछ, अभी एसी चला देते हैं। ओके आई एम हेयर राइट नाउ, सो अभी हमारा शूट स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मेकअप स्टार्ट हो रहा है, एंड प्लस यहाँ पे हमारी ड्रेसेस आ रही हैं, सो चलो फिर लेट्स गो। सो गाइस मेकअप स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जो भी कर रही है कौन, शिल्पी हाय, और नीतू अभी डिसाइड कर रही है हेयर स्टाइल के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सीरियस होकर सीरियस मोड में बैठी हुई है। सीरियस मोड में बैठी हुई है। चलो मेकअप करवा लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज हमारे लिए मिड स्नैक आया है, कॉफ़ी विद बिस्किट, एंड प्लस यहाँ पे मैं हूँ, बहुत प्यारा सा मेकअप हुआ है, बट मेरे ना आंसू आ रहे हैं क्योंकि हेयर हो रहा है और हेयर में से ना धुआं निकलता है, तब मेरे आंसू आ जाते हैं, तो इसलिए आंसू आ रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना उन आंसू को, वो तो हो जाएंगे अभी ठीक। बाकी मेकअप बताना कैसा लग रहा है आपको, और मेकअप किया है इन्होंने, कैसा लग रहा है मेकअप, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिन्होंने किया उन्हीं से पूछ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, तो बस फिर सबको अच्छा लगेगा। ओके मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब पूरी पूरी की पूरी रेडी हो जाऊँगी। सो गाइज यहाँ पे क्रिएटिविटी हो रही है कुछ, लेट्स सी देखते हैं ये क्रिएटिविटी कहाँ तक जाती है। ये माइंड में आया है शिल्पी मैम के, और सॉरी शिल्पी मैम फिर से मैम बोलती है, नहीं बोलोगे मुझे कि मैम क्यों बोल रही है मुझे। ओके ये अभी क्रिएटिविटी कुछ कर रहे हैं, जब फाइनल हो जाएगा ना मैं तब आपको दिखाऊंगी ये क्या क्रिएटिविटी है ना, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे ना। ओके अभी देखो हमारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, हमने कॉफ़ी भी नहीं पी, पर अभी पहले हेयर स्टाइल हो जाए उसके बाद। सो गाइज यहाँ पे क्रिएटिविटी हो रही है क्योंकि हमारे पास कुछ नेक पीस नहीं था, तो यहाँ पे जो एसेसरी दिख रही है आपको मेरे गले पे आप देख सकते हो,
ये जो है ये हेयर एसेसरी है, इसको तोड़ मरोड़ के जगोड़ के क्रिएटिविटी की है नीतू ने, बहुत ही प्यारी। और ये नेकपीस कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है आप लोगों को कि ये हेयर पीस है, बट यार सीरियसली ये हेयर एसेसरी है और इसको यहाँ पे नेकपीस बनाया गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था तो नीतू ने कुछ जुगाड़ किया है, अब बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और अभी एक जुगाड़ पीछे चल रहा है, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। एंड ये कितना प्रीटी सा लहंगा मैंने वेयर किया है, दिस इज माय फर्स्ट आउटफिट। ओ यार कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। और ये रहे मेरे बाकी के आउटफिट्स, अभी जब ट्राई करूंगी सारे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लव यू ऑल। एंड यस, मेकअप बताना, मेकअप कैसा लग रहा है आप सभी को? रुको मैं क्लोजअप दे देती हूँ, वेट सी। वाओ क्या क्रिएटिविटी है यार, ये देखो। सो हे गाइस, आई एम बैक टू होम नाउ और बहुत ही अच्छा शूट रहा, और आज का शूट था ओढ़नी के साथ। लाइक ओढ़नी इज द स्टोर फोहाद इनक्लेव, ओके, पीतमपुरा में पड़ता है ये, और बहुत ही बड़ा स्टोर है, बहुत जाना माना स्टोर है, लाइक सेलिब्रिटीज वहाँ से आउटफिट वियर करते हैं। तो उन्हीं के साथ मेरा आज एक कोलैब था, बहुत ही प्यारा। और आपको अगर कोलैब की वीडियोस देखनी है तो वो आपको इंस्टाग्राम पे जाकर देखनी होगी, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉलीस्टाइल 7768। सो मस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फटाफट से मुझे फॉलो कर लो और सारी वीडियोज़ देखना, बहुत ज़्यादा मस्ती वाली वीडियोज़ बनी है, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनी है। एंड लाइक मेकअप लुक तो लाइक बॉम्ब लग रहा था, एंड आउटफिट्स उस पर मतलब सोने पर सुहाग, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमने क्रिएटिविटी भी करी, वो भी आपको पूरे ब्लॉग में देखने को मिली। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जितने भी आउटफिट्स की मैंने वीडियो बनाई वो तो ये इसमें मैं डाल ही दूंगी, और बाकी के अगर कोई भी आउटफिट रह जाए तो प्लीज इंस्टाग्राम पे देखना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे सारे आउटफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी मैंने ट्राई ऑन किया, ठीक है। आई लव यू गाइज, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।